हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अटल जी ने पूरा जीवन देश के लिए जिया। आज के नेता इसे समझकर आगे बढ़े, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में मंगलवार को राजधानी की महावीर स्कूल में सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा रखी गई। इस अवसर पर राज्यपाल कल्याण सिंह, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट और बीजेपी अध्यक्ष मदन लाल सैनी समेत कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने अटल जी से जुड़े संस्मरण सुनाकर याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल कल्याण सिंह ने श्रद्धांजलि सभा में संबोधित करते हुए कहा कि अटल जी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए जिया। आज के दौर के राजनेताओं को उनसे ये प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। कल्याण सिंह ने अटल जी के साथ बीते समय के संस्मरण सुनाए। श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी अपने संबोधन में अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और कहा कि अटल जी जैसे नेता कोई हो ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कि अटल जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपना पारिवारिक सदस्य मानते थे। सीएम ने अटल जी का संस्मरण सुनाते हुए कहा कि अटल जी के पीएम बनने के बाद जब वे उनकी राजमाता विजय राजे सिंधिया से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि आपको प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उनका सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। इसी तरह कंधार अपहरण का जिक्र करते हुए सीएम ने अटल जी के प्रयासों की सराहना की। इसी तरह कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने भी इस अवसर पर अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अटल जी जैसे नेता देश में विरले ही पैदा होते हैं। वे राजनीति से ऊपर उठकर निर्णय लेने वाले नेता थे। उन्होंने अपने संस्मरण में सुनाया कि वे अटल जी के यूएनओ में दिए गए भाषण से काफी प्रभावित हुए थे। पायलट ने कहा कि अटल जी राजनीति में कभी शत्रुता, घृणा या बांटने की राजनीति नहीं की, वे राजनीति में शुद्धता चाहने वाले थे। पायलट ने अपने पिता राजेश पायलट के निधन के बाद अटल जी के पारिवारिक सदस्य की तरफ घर आने के संस्करण भी सुनाए। काली हनुमान मंदिर के महंत गोपाल दास जी महाराज ने कहा कि अटल जी तो एक भगवान के अवतार की तरह थे जो आए और अपने सत्कर्म करके चले गए। उन्होंने बताया कि ऐसे नेता देश में कभी कभी ही जन्म लेते हैं। शहर की महावीर स्कूल में आयोजित सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा राजपा के नवीन पिलानिया, माकपा के कॉमरेड रविंद्र शुक्ला, समाजवादी पार्टी के अनिल सिंह शेखावत, जदयू के गोपी चंद और भारत वाहिनी के संरक्षण पूर्व बीजेपी नेता घनश्याम तिवारी और गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा ने भी इस अवसर पर अटल जी को याद करते हुए उनसे जुड़े संस्मरण और राजनीतिक स्तर पर लिए साहसिक निर्णय का जिक्र किया। बीजेपी की तरफ से आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में बीजेपी के नेताओं के साथ ही संगठन के बड़े पदाधिकारी भी शामिल हुए। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।